हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि PTET का जल्द ही काउंसलिंग चालू होने वाला है। जल्द ही इसकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवा के रख लेना है, क्योंकि बाद में उन डॉक्यूमेंट पर काफ़ी 10, 15 से 20 दिन लग जाएगा, तो आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रहेंगे। उस समय आप बनवाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो अभी से वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना दोस्तों। और जो PTET काउंसलिंग के जो यहाँ पर कोई अपडेट आएगी, तो यहाँ पर इसके लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उसका काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बनवाना आपको ज़रूरी है। PTET ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे अभी बना के रख लो, बाद में बनवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जो भाई कमेंट कर रहे थे कि PTET काउंसलिंग कब से होगी, तो बहुत जल्द इसकी काउंसलिंग होने वाली है, तो इसके पहले आपको डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके आपको रख लेना है, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो कि डॉक्यूमेंट नहीं बना है। उस समय आप बनवाने लगोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और जो इनका कॉलेज बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अभी से आपको डॉक्यूमेंट बना के रख लेना है। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप जानते होंगे, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर बैंक चालान की प्रति ऑनलाइन पेमेंट की रसीद आपकी लगेगी। यानी कि जो आप काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम तो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। काउंसलिंग के समय में तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगेंगे, हाई स्कूल इंटर लगेगा, लेकिन जब ये आपका जो आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तब ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। तो बैंक चालान की जो आप काउंसलिंग कराएंगे, उसकी ऑनलाइन पेमेंट की रसीद आपको जमा करनी पड़ेगी। आवेदन द्वारा घोषणा पत्र, उसके बाद सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका आपको हाई स्कूल इंटर जमा करने पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी जमा करने पड़ेगा। उसके बाद जो आप BA कुछ भी कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तीनों मार्कशीट आपको जमा करनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन वाली चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि ऑनलाइन वाली चलेंगी या नहीं चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी स्नातक, अगर आप राजस्थान से प्राप्त किए हैं, उन्हें मूल निवास प्राप्त देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर मूल निवास बनवा के रख लेना है। कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, मूल निवास तो आपको ज़रूरी है। ये दोस्त कैसे आपको इसको बनवाना है, आप कमेंट करेंगे तो बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। ये आपको जल्द ही बनवा के रख लेना है, क्योंकि जब इसको आप अप्लाई करते हो तो कम से कम 15 दिन लग जाता है इसे बनने में। तो अभी ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों ज़रूरी हैं, इसे आप बनवा कर रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसे बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, अगर आप विकलांग हैं। अगर आप एक विधवा हैं, तो विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनः विवाह न करने का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनः विवाह न करने का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। तो जो मैंने दोस्तों जो दो आपको बताया है कि एक मूल निवास, एक आय प्रमाण पत्र आपको यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको अभी बनवा के रख लेना है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको अभी बनवा के रख लेना है। बाकी कोई भी कमेंट जवाब सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।